नमस्कार, मैं हूँ श्रेया स्वराज। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज और लाइव झारखंड ब्रेकिंग के बुलेटिन में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराकर पूरे दुनिया को भारत की ताकत की पहचान करा दी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगा। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तलोजा जेल से रिहा किया गया। रांची जिला में आयोजित होगा मतदाता सूची संचित विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। 28 और 29 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को चलाया जाएगा विशेष अभियान। 16 नवंबर को प्रकाशित होगी पहली सूची। झारखंड हाईकोर्ट ने विधायकों को आवास आवंटित करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत को पूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। झारखंड कैबिनेट से सरना धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने की खुशी में सरना धर्मावलंबियों ने खूंटी सड़क मार्ग पर रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। खूंटी मुरु पुलिस को मिली सफलता, लेवी वसूलने आए प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 3 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। What's plan B? Download Cred. Get cashbacks for paying your credit card bills. Cred, not everyone gets it. Next time we'll try Rap. Okay. लाल चूड़ी निर्माण से आत्मनिर्भर बन रही है हजारीबाग की महिलाएं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का हो रहा है प्रयास। रामगढ़ के छिन्नमस्ती के मंदिर क्षेत्र में दामोदर एवं भैरवी नदी को साक्षी मानकर सांसद जयंत सिन्हा, विधायक ममता देवी, उपायुक्त संदीप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कोविड वार्ड में बुधवार आधी रात को ऑक्सीजन खत्म हो गया। परिजनों के हंगामे के बाद खुली प्रबंधन की नींद। कोरोना रिकवरी रेट में झारखंड देश में 6 स्थान पर, रिकवरी रेट 95.8% पहुंचा। धनतेरस आज, बाजार में बरसेगा धन, खरीदारी के लिए पूरा दिन है शुभ। हजारीबाग आए विदेशी मेहमान, छड़वा डैम में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू। 4 महीने रहेंगे फिर घर को लौट जाएंगे। झारखंड के धनबाद में 10 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला, 98 स्कूल के प्रिंसिपल सहित 107 पर हुआ मुकदमा दर्ज। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।